परम पूज्य श्री साहब जी, अचनी बंदनी मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। गुरु की भेली जीव डरे, काया सीचन हार, कुमत कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। बहुत ही सरल साखी है। गुरु की भेली जीव डरे, गुरु गुड़ की भेली से जीव डरता है। यहाँ गुरु गुड़ माने साहब उसका उदाहरण देते हैं कि गुरु की भेली से माने गुरु के ज्ञान से ये जीव डरता है। गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचनहार। क्यों डरता है? क्योंकि काया सींचने की उसका उसकी आदत पड़ी है। उसको मोह ममता की बातें सुनाओ, कुछ ऐसी बातें ऐसी चर्चा करो, राग द्वेष शिकायत की बातें, किसी के पास आप अपने बगल पड़ोसी वाले के या बहू के शिकायत करने लग जाओ, या बहू सास की शिकायत करने लग जाए, तो लोग बड़े गौर से सुनेंगे। लेकिन ज्ञान की कुछ चर्चा करने लग जाओ तो वही लोग कहेंगे क्या है राम कहानी शुरू कर दिए आप। मैंने उसे बहुत गौर से नहीं सुनना चाहेंगे, कुछ इस ढंग से उलाहना देते हुए बोलेंगे कि उनको मानो ये दुनिया ही प्यारा है, वो अमर हो करके आए हैं, यहाँ से कभी जाएंगे नहीं। तो साहब कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार। काया सींचने वाला लोभी लालची, कहते लोभी लालची जो होता, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति तो वही करता है तो जिसे जाति का चक्कर नहीं है, जिसके मन में कुल गोत्र का चक्कर नहीं है, कोई मान्यता नहीं, कोई भ्रम नहीं है, उसके जीवन में भक्ति अच्छी लगती है, उसे भक्ति अच्छा भी है, वो भक्ति करता है। संतों की बातें सुन करके मीरा जैसे वो खुश हो जाता है। जैसे संत मीरा जो थी, कहा जाता है जब अपने गुरु के बारे में या कोई संतों के बारे में सुनती तो मगन हो जाती, नाचने लग जाती थी, अपने घर से ही मानो खुश हो करके चल देती थी दर्शन के लिए, जबकि वो ठकुरायन छत्री घर की बहू थी। लेकिन तनिक भी मन में उन्हें नहीं लगता था, सारी मान मर्यादा कुल का चक्कर छोड़ करके, जाति का चक्कर छोड़ करके उछल देती थी संतों के संग में, उन्हीं के रंग में रंग जाती थी। तो जाति वर्ण कुल खोए, भक्ति उसी को अच्छी लगती है जो जाति का चक्कर नहीं रखता है। और जो जाति बड़ा है, अपने को जाति से बड़ा मानता है, धन से बड़ा मानता है, हाँ, और परिवार से बड़ा मानता है, तो भक्ति कर पाएगा? भक्ति उसे अच्छी ही नहीं लगेगी। संतों की बातें उसे ऐसा लगेगा, भार महसूस होगा। कुछ लोग तो कहते हैं, एक बार हम कहीं जा रहे थे, श्री साहब जी और भी हमारे बड़े साहब जी थे, तो एक पुलिस वाले बड़े माने उस ढंग से हे दृष्टि से देख रहे थे हम लोगों को, और अंतिम तक वहाँ करीब 3-4 घंटा बैठे बैठे उनसे रहा नहीं गया। पहले तो फोन से खूब बतलाए कि बहुत से साधु होते हैं, निठल्ले घूमते हैं, भार है धरती की, माने कुछ इस ढंग से बतला रहे थे, उनको सहन नहीं हो रहा था हमसे। अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, अंतिम में नहीं रहा गया, फिर डायरेक्ट भी कहने लग गए कि महाराज क्या करते हैं आप लोग, क्योंकि उनको ये एहसास होता है साधु सब बैठे बैठे खा रहे हैं। साधु के पास चल करके बैठे बैठे खाओ, 10 दिन रह करके पता चलेगा कैसे बैठे बैठे खाते हैं संत। अभी बैठे बैठे ही तो खाया जाता है, विचार करके देखो जरा, कोई खड़े खड़े खाता है? सब बैठे बैठे ही खाते हैं, कोई खड़े खड़े नहीं खाता है। और जो खड़े खड़े खाता है कुकुर बैल पशु यही सब होते हैं जो खड़े खड़े खाते हैं। आज कुकुर भोज चला है ना लोग, हाँ, कुकुर भोज, उसे बच्चे लोग हंसी में कहते हैं कुकुर भोज हो, वफर सिस्टम दुनिया में आज वही चलन है, क्योंकि जगह कम रह गई है, अपना खड़े खड़े खा करके चलता बने,
वहाँ रिश्तेदारी या प्रेम का चक्कर नहीं है, बस अपना निभाने का चक्कर है। थोड़ा सा नहीं जाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बस निभाने के लिए चले गए, खा करके चल दिए। मैं कह रहा था गुरु के ज्ञान हमें नहीं अच्छा लगता है। सतगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है, सतगुरु कबीर साहब की एक साखी आती, कई बार आप सुने होंगे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संघ में सो बैकुंठ न होए। मानो राम भगवान बुलावा भेजे कि कबीर साहब आपका समय यहाँ पूरा हो गया, आप आ जाइए बैकुंठ धाम में। तब वो कहते हैं कि जो सुख साधु संघ में सो बैकुंठ न होए, जो मुझे संतों के संग में, गुरु के ज्ञान में, संतों के ज्ञान में, उनके पास रहने में जो आनंद आता है वो वैकुंठ वैकुंठ में नहीं आता है। अब वहाँ का मुझे सुख नहीं चाहिए, संतों के बीच में रह करके जो धक्का मिलता है, प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उससे बढ़ करके दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन लोगों को तो धन चाहिए, धन चाहने के पीछे परिवार का हक मारना पड़े, यहाँ तक कि माई बाप को घर से बाहर निकालना पड़े, तब भी लोग तमाम तरह के दुष्टता का व्यवहार करते हैं। एक चुटकुला याद आ गया, कहा जाता है एक बहू थी, अपने सासू माई से कहती है कि माता जी मम्मी ये बुखार सिर दर्द की दवा खा लो। तो सास कहती है कि मेरे सिर दर्द नहीं है। अच्छा तो ये बुखार की दवा खा लो। मुझे बुखार भी नहीं है, दवा क्यों खाऊं? अच्छा ये कांबी फलाम खा लो, ये सारे जोड़ों के दर्द ठीक कर देता है। कहें अरे भाई मुझे दर्द ही नहीं है, पूरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। तब बहू कहती बैठे बैठे क्या करो, झाड़ूए लगा लो। बैठे बैठे क्या कर रहे हो, झाड़ू ही लगा लो। ये है कहने का तरीका, माने अपने को ऊपर रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बेटा को दुख मिले, पिता को दुख मिले, माँ को दुख मिले, सब करने के लिए तैयार है। बंधुओं, गुरु का ज्ञान ये नहीं सिखाता है। गुरु का ज्ञान हमें संसार से हटना सिखाता है, मोह ममता को तोड़ना सिखाता है। गुरु का ज्ञान हमें प्रेम सिखाता है। कबीर साहब की वो साखी है ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आकर जो प्रेम अक्षर है उसको कोई पढ़ना तो जाने। लोग प्रेम चाहते हैं पर प्रेम देना नहीं चाहते हैं। लोग खुशी चाहते हैं पर खुशी देना नहीं चाहते हैं। लोग धन चाहते हैं पर धन देना नहीं चाहते हैं। बंधुओं, जो दिया जाता है वही मिलता है, क्योंकि वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है। सुबह सुबह जैसा किया है, सुबह सुबह जो हम बीज बोए हैं वही हमारे सामने आज आ रहा है। लोग कहते हैं कि महाराज हम इतना सेवा करते हैं, इतना दान करते हैं, इतना धर्म करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख बना रहता है। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जो सत्य होता है वो अकाट्य होता है। जो वास्तविकता है उसके पीछे का जो राज है वो हम नहीं जानते हैं। उसके पीछे का राज यही है कि जैसे कोई कोठी है, घर में आजकल ड्रम चला है, गल्ला रखने के लिए, गेहूं धान चावल कुछ रखने के लिए ड्रम चला है। तो उस ड्रम में मान लो हमने पहले बाजरा भर दिया है, फिर चावल भर दिया है, फिर गेहूं भर दिया है। तो गेहूं सबसे ऊपर है, तो गेहूं भरने वाली बात हमें याद है, लेकिन जो नीचे बाजरा भरा है उसके बारे में हम भुला गए हैं। जब उसको हम नीचे से निकालेंगे, क्योंकि निकालने का जो सिस्टम है वो नीचे से है, जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जो नीचे होगा वही तो निकलेगा। ऐसे ही हमारे जो जीवन में घटनाएं घट रही है, इतना दान करने के बाद, धर्म करने के बाद, संतों के संगत करने के बाद भी दुख बना हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी बाजरा नीचे है, अर्थात दुख है, पीड़ा है, हमने कुछ ऐसा किया है जो हमारे सामने आज वो आ रहा है। ये जो
ऊपर जो सेवा वाली बात ये ऊपर है, अभी समय आएगा तो ये भी इसका भी नंबर लगेगा, क्योंकि जैसे ही बाजरा खत्म होगा वैसे चावल निकलना चालू हो जाएगा, वैसे गेहूं निकलना चालू हो जाएगा, फिर आप सुखी हो जाएंगे। बस धैर्य रखना हमें नहीं आता है। देखो कुछ ऐसे फल होते हैं कर्मों का फल जो तुरंत मिलता है, जैसे आप गाली दीजिए उसका परिणाम तुरंत मिल जाएगा, आप थप्पड़ मारिए किसी को उसका भी परिणाम तुरंत मिल सकता है। लेकिन आप बीज बो दीजिए, गेहूं में बीज बोइए, खेत में जा करके बीज बोइए तो तुरंत मिलेगा? वो तुरंत नहीं मिलेगा, वो 3 महीना 4 महीना 5 महीना जब जिसका डेट समय है बस उस ढंग से वो मिलेगा। ऐसे ही हमारे कर्मों का फल कुछ ऐसा है जो समय आने पर मिलेगा। घबराइए नहीं, धैर्य ना छोड़ें, चिंता ना करें, चिंतन करें। आज आदमी चिंता में ज़्यादा है, चिता चिंतन चिंता। चिंता जो चिता होती है वो क्या जलाती है? अर्थी को जलाती, लाश को जलाती, मुर्दा को जलाती है। जो चिता है वो मुर्दा को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। चिंता करने वाले व्यक्ति को आप देखिए, उसका खून सूखा सूखा, चेहरा उदास उदास, मानो जन्मों का पूरा ये भार इसी के ऊपर है, कई गांव का बोझा इसी के ऊपर लदा हुआ है। कहा जाता है एक सेठ जी रहे, तो वो इतना धनवान थे अपने मंत्री से, लेखा जो उनका लिखने वाला था, लेखा जोखा रखने वाला था, उससे पूछे भाई हिसाब लगाओ हमारे पास कितना धन है। तो उसने हिसाब लगाया उसके बाद वो कहता है भाई सेठ जी आपके पास इतना धन है कि 35 पीढ़ी अगर बैठ के खाए तो बड़े आराम से खाएंगे, चिंता नहीं, काम नहीं करना पड़ेगा, चिंता की कोई बात नहीं। बस वो बेहोश होके गिर गया। मंत्री घबरा गया, जो लेखा जोखा रखने वाला घबरा गया, क्या हो गया पता नहीं। वो पानी की छींटा मारता है, थोड़ी देर में होश आता है और कहता है मेरी 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तब वो कहता है कि भाई ये बताओ, जब आप अकेले 35 पीढ़ी को कमा सकते हैं, बैठे बैठे खिला सकते हैं, तो जो 35 पीढ़ी के लोग रहेंगे क्या वो सब लुंज पुंज रहेंगे? क्या काम नहीं करेंगे? वो भी तो करेंगे। जब आप अकेले इतना कमा सकते हैं तो जब वो सब हाथ बटाएंगे तो कितना काम आगे बढ़ेगा और कितने पीढ़ी खा सकते हैं। तो आज की चिंता छोड़ करके लोग कल के चिंता में पड़े हैं और ये चिंता उनके जीवन को ही जला रही है। और जीवन को जला दे तो कोई बात नहीं, उनके ज्ञान ध्यान भजन सब को जला दिया है। और ज्ञान ध्यान भजन जहाँ नहीं है वो जीवन जीवन नहीं होता है, वो पशु का जीवन होता है। जैसे पशु आपसे बढ़िया, मनुष्य से बढ़िया तो पशु बढ़िया है। टहलने जा रहे थे कल कि आज ही जा रहे थे साहब, अब हम दोनों टहलने जा रहे थे तो कुत्ता दो बढ़िया बालों में सोए थे, लेटे थे निश्चिंत, कोई चिंता नहीं उनको। पास में कोई आता है मुंडी उठा करके देख लेता है आँख खोल के, साहब कहें लेटो लेटो कोई बात नहीं चिंता ना करो, लेटे थे बढ़िया, कोई चिंता नहीं उनको। लेकिन आपके लिए पेट भी भरा है, पेटी भी भरी है, फिर भी सोच रहे हैं कल क्या खाएंगे। ये चिंता है, चिंता आदमी को मुर्दा बना दिया है। चिता तो केवल मुर्दा को ही जलाती है लेकिन चिंता आदमी को जिंदा को जलाती है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर चिंता से बचने का क्या उपाय है? चिंता से बचने का उपाय है चिंतन। किसका चिंतन करें? जीवन के बारे में चिंतन करें। बेटे के बारे में चिंतन ना करें, बेटा अपना अपना जाने। घर के बारे में भी चिंतन ना करें, उसके बारे में भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। वैसे चिंतन आप बाहर करते हैं, बाहर के बारे में सोचते हैं तो चिंतन नहीं रह जाता, वो चिंता हो जाती है। चिंतन अपने बारे में होता है, आप कैसे जीवन को जीते हैं। रोटी बना लेना अलग है, कमा लेना अलग है, लेकिन एक साथ प्रेम पूर्वक खाना बड़ी बात। क्या आप एक साथ खा पाते हैं? क्या सुकून की रोटी आपको खाने को मिलती है? रात में नींद नहीं आती है आराम से? अगर रात में आप सुखपूर्वक सो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका जीवन सही ढंग से जा रहा है, आपकी गाड़ी सही चल रही, दिशा सही है तो दशा सही है, चाल ठीक है तो हाल ठीक है। हमारी चाल में गड़बड़ी है और हाल ठीक करने में लगे हैं।
हाल ठीक करने में मत लगो, चाल को ठीक कर लो, हाल अपने आप ठीक हो जाएगा। आपके पास फटा कपड़ा हो चल जाएगा, पर आपके चेहरे में खुशी होनी चाहिए। आप नमक रोटी खाते हैं चल जाएगा, लेकिन आपके चेहरे में खुशी होनी चाहिए। आप झोपड़ी में रहते हैं ये भी चल जाएगा, लेकिन अपने परिवार के साथ बढ़िया प्रेम से रहते हैं ये बड़ी बात है। अगर परिवार ही हमारा रूठा हो, दुखी हो, बहुत पैसा हो जाए, हमारे पास बहुत पैसा हो, लेकिन माता पिता का आदर ना हो, सम्मान ना हो, बेटे और पिता में लड़ाइयाँ चल रही हो, सास बहू में लड़ाइयाँ चल रही हो, हर समय टुन्न फुन चल रहा हो, आपस में हर समय टेंशन में रहते हो, तो फिर ये धन, ये वैभव, ये गाड़ी, ये मोटर, ये जो दिखावा है हम कर रहे हैं, ये किस काम का है? ये काम इसकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप धन न कमाओ, ऐसा नहीं कि आप गाड़ी न खरीदो, ऐसा नहीं कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई न करवाओ। ये सब करना है, क्योंकि आप इस धरती में रह रहे हैं, आपके पास आपके बहुत लोग जुड़े हैं आपसे, आप उनके सहयोगी हैं, आपके बिना वो अनाथ हो सकते हैं। सबके बारे में हमें सोचना है, लेकिन सबके साथ साथ थोड़ा अपने बारे में भी सोचना है। अपने बारे में ना सोच करके हम निहत्था हो जाते हैं, खाली का खाली हो जाते हैं, और खाली का खाली व्यक्ति किसी काम का नहीं। खाली मन शैतान का घर कहा जाता है। अगर हमारा मन खाली है, उसमें कोई चिंतन के भाव नहीं है, गुरु संतों की भक्ति नहीं है, कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा है, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तहीन नरसो है कैसे, बिन जल बारिद देखी जैसे। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, जाति पात कुल धर्म, कुल गोत्र जो भी है, इसकी जो प्रशंसा है, इसकी जो बढ़ाई है, कोई काम का नहीं है। भक्तहीन नरसो है कैसे, बिन जल बारिद देखी जैसे। जैसे बिना बादल का पानी, बिना पानी का बादल किसी काम का नहीं, इसी प्रकार आपका जाति पात कुल गोत्र धन वैभव बिना भक्ति के किसी काम का नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, अर्ब खर्ब लो दर्ब है, उदय यस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। अर्ब खर्ब लो दर्ब है, अर्ब से खर्ब तक आपके धन हो, दौलत हो, यहाँ तक कि उदय अस्त लो राज, उदय अस्त माने पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य हो, पूरा भूमंडल आपका हो, लेकिन भक्ति की तुलना में ये सब नहीं तुल सकते हैं। भक्ति की तराजू में ये वजनदार नहीं हो सकते हैं। भक्ति ही वजनदार है, लेकिन हमारे जीवन में भक्ति नहीं। भक्ति कहते किसे हैं? भक्ति विनम्रता को कहते हैं, भक्ति प्रेम को कहते हैं, भक्ति सदाचार को कहते हैं, भक्ति आपके मिठासपन को कहते हैं। जैसे फूल के पास जाओ तो किसको नहीं अच्छा लगेगा? एक क्रोध से भरा व्यक्ति अगर फूल के पास जाए तो उसका क्रोध ठंडा हो सकता है। इतना उसमें शक्ति होती, इतनी एनर्जी होती है कि उसको देखते ही मन हल्का हो जाता है। एक हरी भरी बगिया में जा करके आप थोड़ा बैठिए, सुकून का अनुभव करेंगे। इससे बढ़ करके आप संतों के दरबार पर चले जाइए, थोड़ा उनके पास बैठ लीजिए, उनको देखते ही, उनके आश्रम का रंग ढंग देखते ही आपका मन शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और हमारा मन ऐसा है, हम अपना चेहरा ऐसा बनाए रहते हैं जैसे घोड़ा को देखे ना, मुंह लटकाए रहता है हर समय। हमारा चेहरा हर समय कुछ ऐसा रहता है, मुंह लटका रहता है, जो देखता है उसका भी मुंह लटक जाता है। कोई किसी से खुश नहीं होना चाहता है। बंधुओं, जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी, सरलता नहीं आएगी, भक्ति नहीं आएगी, तब तक हम सुकून का अनुभव नहीं कर सकते हैं, सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उसी के लिए साहब कहते हैं, गुरु की भेली जीव डरे। गुरु का जो ज्ञान है उसे सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि धन में हानि हो सकती है, ऐसा लोगों को मान्यता है। लेकिन ऐसा नहीं है। संत से होए न कारज हानि, संतों से किसी का आज तक नुकसान नहीं हुआ है। इसके लिए राम भगवान, जिन्हें लोग राम राम कहते हैं, जय राम भैया, राम राम, सुबह से उठते ही राम राम चालू हो जाता है। वही उन्हीं के मुखारविंद से कहा गया है, सबरी को समझाते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहले आपकी जो भक्ति क्या कहलाएगी? संतों की संगत।
बाद उसके बाद मेरी चर्चा हो, मेरी कथा में आप आओ सुनो उसके बारे में, तब अच्छा है। लेकिन पहले क्या है, संतों की भक्ति, संतों के बारे में हमें कभी सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते हैं। तो साहब कहते हैं, गुरु की भेली जीव डरे काया सीचन हार। हम काया की सीचन हार हैं, हमें क्रोध से संबंधित, मोह से संबंधित, बच्चों से संबंधित बातें ज़्यादा अच्छी लगती है। मुकदमे वाली बात कोई शुरू कर दे तो बस उसमें हमारा मन ज़्यादा रस लेता है। तो हमें चाहिए कि ये थोड़ा से, ये कभी कभार इन सब की चर्चा हो जाए, इस पर काम कर लो, अखबार पढ़ लो, थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लो, ये अलग बात है क्योंकि दुनिया में आप रहते हैं तो हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन उसी बीच में थोड़ा से आप प्रवचन सुन लो। आज इतना बढ़िया साधन है कि आप सत्संतों के संग में नहीं जा सकते हर समय, अपने पास बुला भी नहीं सकते उनको, लेकिन आप एक पुस्तक अपने पास रख सकते हैं। आवाज़ तो सबसे बढ़िया, मोबाइल आपके पास है, आप रोटी बनाते समय, कोई काम करते समय, आप कुछ भी करते रहे, जेब में भरे रहिए, मोबाइल चालू कर दीजिए, प्रवचन बढ़िया चलता रहे, आप सुनते रहिए। कुछ अगर 100 में अगर 10 बात भी आपके अंदर चली गई तो बहुत काम करेगी, बहुत काम करेगी। बंधु, आप कमरे में रहते हैं, अपना कमरा ना साफ कर सकें तो क्या आप रहने का क्या लाभ है। इसी प्रकार इस जीवन में हम रहते हैं तो एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं तो जीवन का क्या महत्व है। केवल परिवार बढ़ा लेना, बच्चों को बढ़ा लेना, पढ़ा लिखा लेना, हमारे बच्चे डिप्टी हैं, कलेक्टर हैं, अमेरिका में कमाते हैं, ये रोब काम नहीं करेगा। कहा जाता है एक पिता बड़े रोब से लोगों से कहते थे, हमारा बेटा अमेरिका में कमाता है। संयोग से एक बार वही बेटा फोन करता है, पिताजी क्या कर रहे हो वहाँ पर, आ जाओ यहाँ, बढ़िया हमारा भवन है, आलीशान, यहीं रहो, गांव देहात में क्या रखा है। पिता बहुत खुश होकर के सबसे बता रहे थे ऐसे ही। अब गर्व होता ही अपने बच्चों पर, बेटे को अपने पिता पर गर्व नहीं होता है क्योंकि उनके वो झोपड़ी को ध्यान में रखता है और अपने नौकरी को ध्यान में रखता है, पैसा को ध्यान में रखता है, इसलिए उन पर गर्व नहीं होता है कि हाँ कितना बड़ा उपकार है, अपना खून पसीना सब एक कर दिए हमें योग्य बनाने के लिए, ये उनको ख्याल नहीं है। लेकिन पिता को गर्व होता है, हमारा बेटा नौकरी करता है, कहाँ है, अमेरिका में है, बड़े गर्व के साथ वो बताते थे। वही बेटा फोन करता है, आ जाओ यहीं रहो, तो कहें कब आए बेटा, कहें ठीक है मैं आता हूँ लेने, वहाँ से आया तो पिता कहता है, बेटा ये घर है, धन है, ये खेती बाड़ी, आखिर यहाँ पड़ा रहेगा क्या मतलब है, कहाँ रे, इसे बेच दो। सब बेच करके सब नोट पानी अपने जेब में रखा, पिताजी को लेकर चल दिया, पिता माँ को दोनों को लेकर चल दिया, और जहाँ जहाज में बैठना था वहाँ जा करके कहता है, पिताजी बैठो यहीं पर कुर्सी में, मैं आ रहा हूँ अभी। गया, समय आया, अपना बस में उसमें बैठा जहाज में, उड़ गया। बहुत देर हो गई, शाम हो गया, अब किसी से पूछे पिता कि भाई आखिर इतने समय बस आने वाली, हमारा बेटा पता करने गया है, वो जहाज आने वाली थी तो कहा है, वो तो कब को छूट गई है। अब रो करके रह गए, सारा धन माल लेके चला गया, खेत बाड़ी भी चली गई, और घर दूसरे को दिलवा दिया, पिता को भिखारी बना करके चला गया, माँ बाप को भिखारी बना करके चले गए। ऐसा बेटा, ऐसे बेटे, ऐसा बेटों को ना पढ़ाओ कि वो आप ही को पढ़ा दे, यही तो हो रहा है आज। इसका मतलब बच्चों को ना पढ़ाओ ऐसा मैंने, मेरा कहने का आशय नहीं है, लेकिन वो संस्कार भी पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार पढ़ाओ। बच्चे को आप कभी पैर छूने के लिए नहीं सिखाते हैं, संतों की संगत करने के लिए नहीं सिखाते हैं, थोड़ा प्रवचन सुनने के लिए नहीं सिखाते हैं, सदग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं सिखाते हैं। हाँ, वो मोबाइल में जुटा रहे, लूडो खेलता रहे, आपको बर्दाश्त है, आप अच्छा मानेंगे, थोड़ा से वो बैट बल्ला खेले उसमें खुशी मनाएंगे, अखबार पढ़ता हो आपको अच्छा लगेगा, अपने मित्र साथियों के पास गप मारता हो अच्छा लगेगा, लेकिन वो सदग्रंथ पढ़ लेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, संतों के पास बैठ लेगा तो उसका समय बर्बाद हो जाएगा। आपके मन में ये मान्यता बनी हुई है, ये सारी मान्यता हटा करके पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा संस्कार दें, क्योंकि आपकी कार गाड़ी घर को बेच सकता है बिना संस्कार के, बिना संस्कार वाले बच्चे आज यही कर रहे हैं, आपके धन दौलत का वो शराब बीड़ी गांजा भांग में उड़ा रहे हैं, क्या लाभ मिलता है आपको। आप उस धन को आप तनिक भी संतों में देने के लिए नहीं सोचते हैं, या किसी गरीब दुखिया में बांटने के लिए नहीं सोचते हैं, आपके बच्चे, आप लाखों नहीं करोड़ों नहीं पूरा जीवन उन्हीं के पीछे दांव लगा दिए, लेकिन कभी एक शब्द नहीं सुनने को मिलता है कि हमारे माता पिता का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर,
एक शब्द नहीं सुनने को मिलता है। हाँ ये शब्द सुनने को मिल जाता है, हमारे लिए क्या किए हो, ये सुनने को मिल जाता है। लेकिन आप पड़ोसी को 1,000 रुपये देकर देखिए, बिना माने मांगे ये कह दीजिए मुझे नहीं चाहिए, पड़ोसी को दे दीजिए 1,000 रुपया, वो जीवन भर याद करेगा, जितनी बार मिलेगा उतनी बार हाथ जोड़ेगा, राम राम भैया, उपकार भी मनाएगा कि मेरे समय में, दुख के समय में इन्होंने 1,000 रुपया बिना सोचे दे दिए थे, जीवन भर वो आपके बारे में उपकार मानेगा। तो कहने का भाव ये है कि अपने धन को दीन दुखियों में भी लगाने के लिए सोचना चाहिए, संतों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि संत गुरुजन अगर ये सब सुविधा नहीं पाएंगे तो आपके पास नहीं आ पाएंगे, और नहीं आ पाएंगे तो आपके बच्चों को संस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक कोई मास्टर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया है, आज तक कोई माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए हैं। कोई संस्कार देने वाला कोई है दुनिया में तो संत हैं, संतों के माध्यम से हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाते हैं। संत बड़े आराम से कुछ बातें सिखा देते हैं और बच्चों को अच्छी भी लगती है, वो सीखने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपकी बात उसको वो समझ में नहीं आती। तो गुरु की भेली जीव डरे काया सीचन हार, कुमत कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। क्योंकि हमारा मन कुमत में ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, कुसंग में ज़्यादा उसे अच्छा लगता है, जुआड़ियों के पास, ताश खेलने वालों के पास, बैट बल्ला खेलने वालों के पास, या जैसे तैसे लोगों के पास बैठने के लिए हमारा मन ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारे मन को संतों के पास बैठने के लिए कम अच्छा लगता है, इसलिए संतों की बात नहीं अच्छी लगती है। लेकिन ये मन को हमें समझाना है कि जब तक संतों की बात नहीं अच्छी लगेगी जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता है, क्योंकि संतों की बात ही हमें हमारे परिवार में एक स्वर्ग का माहौल बना सकती है।